मेरा नाम राजेश कुमार है। थोन ती सारे मैंने सोशल मीडिया से देखते हो कि मैं एक प्रोफेशनली डांसर हाँ। मैं डांस करता, डांस की वीडियो बनाना, लेकिन डांस के नाल नाल मैं अपनी लाइफ से कुछ और भी करना सी। मेरा मन सी कि मैं कुछ और तरीके ना चला, डांस के नाल नाल मैं कुछ और भी अचीव करा। लाइक एक हुंदा ना जनून, वो हमेशा मेरे कुछ ना कुछ आता रहता है। इस बार मैं अपना साइकिल अगे किया, जो मैं डॉक्टर अवतार जी को गया कि अंकल नूं क्या कि मैं साइकिल करना है, तो उन्होंने मैंने एक बारी भी नहीं कहा कि क्यों करना या किमें करना या मैंने पूछा हो कि तेरे को होएगा। उन्होंने कहा तू साइकिल करना है, ठीक है, तो तू मैं तेन साइकिल लै दिना वा, तू साइकिल चला। अगले दिन ही अंकल ने मेरे घर साइकिल भेजा, वो मैं प्रैक्टिस स्टार्ट की। जिस तरह मैं प्रैक्टिस करता गया, रब की कृपा ने कभी भी ऐसा डिग्गा नहीं आ, ना डांस च ना साइकिल च। तो साइकिलिंग करता गया, चलता गया, काफ़ी मुश्किल का सामना आया, लेकिन उहदे विच सब तो वड्डी मुश्किल आई साइकिल ज़्यादा चलाना, मेरी राइट वाली लैग भी जख्म हो गया। तो फिर सारे ने कहना स्टार्ट करता कि तैनू क्या ही पहले डांस करता, हूँ तो साइकिल करना स्टार्ट करता। लेकिन मैं क्या ही कि मैं साइकिल करना है। मैं डॉक्टर अवतार अंकल जी ने कहा कि मेरी लैग च जख्म हो गया। अंकल जी ने पूरे 15 दिन के अंदर अंदर मैनू इंपोर्टेड 6 लाख दी लैग्स मंगवा के दित्तियां, जो कि बिल्कुल लाइट वेट ने, जिहड़े मैं हजे पाईआं, जिन्ना मेरा चलना उठना बैठना होर डिफरेंट हो गया, थोड़ा एडवांस हो गया। फिर मैं डांस भी चेंज हो गया, मेरा डांस भी वधिया हो गया। लेकिन मैं जो साइकिल फिर दोबारा स्टार्ट किया लैग्स तो बाद, वो एकदम मैं स्मूथली चलन लगा। तो मैनू पता नहीं सीगा कि मैं साइकिल मैं कि ना फास्ट कर लवाँगा। मैं तुम दस दवा कि साइकिल मैं अपने पापा वाल वेख के लिया। मेरे पापा 65 ईयर के ने, तो लगते 50 के ने, जोड़े कि रोज़ 1 घंटा साइकिल चलाते हैं। तो मैनू सीगा कि मैं साइकिल चलावा, लेकिन जो मैं साइकिल चलाया तो उस तो बाद कि मैं साइकिल चला के बाजार जाना स्टार्ट करता। फिर मैं एक ऑनलाइन वीडियो देखिया कि लोग ही रिकॉर्ड बना रहे थे, फिर मेरे मन से कि मैं भी एक रिकॉर्ड क्यों ना बनावा। तो जो मैं रिकॉर्ड वास्ते अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि तुम घट्टो घट भी 1 किलोमीटर साइकिल चलाना, वह भी बिना रुके, कि तुम तो हमने मतलब कि थोड़ा जहा साइकिल चलाते हो तो रुक जाते हो या खड़े हो जाते हो, वो चीज़ नहीं होएगी। तो मैं फिर प्रैक्टिस स्टार्ट की, अपना 100% देने की कोशिश की। जी प्रैक्टिस मेरी कामयाब हुई, उन्होंने 1 किलोमीटर किया, मैं 1 किलोमीटर तो ज़्यादा साइकिल चला के दिखाया, तो जो कि मेरा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड च नाम आ गया। नैक्सट स्टैप यह होएगा मेरा साइकिल तो पहले मेरा डांस है, जो जिसनों मैं मेरी पहचान बनी है सारे विच, जितों मैं लोग जानते हैं। साइकिल तो पहले मेरा डांस है। मैं हूँ साइकिल की वीडियो वायरल होना, मैं शो कि टीवी भी कॉल आ रही ने कि रियालिटी शो से भी कॉल आई है कि तुम साढ़े शो में आओ, तो एक रियालिटी शो की भी तैयारी कर रहा। उस तो बाद मैं 10 किलोमीटर साइकिल तो चलावगा ही चलावगा, लेकिन हूँ मेरा ध्यान कि लाइक एक जनून मान लो कि माउंट एवरेस्ट चढ़न का हो गया, कि मैं यह भी काम अपना लाइफ से करके छड़ना ही है तो करके दिखाना, तो मैं करके दिखावगा। मैं पता है कि जी चीज़ वाल मैं ध्यान कर ला वो मैं पिछे नहीं हटता। मेरे माँ बाप ने जेडे मेरे जिन्होंने मैंने जन्म दिता, वो मेरे माँ बाप ने मैनू, मेरी मम्मा ने एक बारी नहीं दो बारी जन्म दिता। एक बारी जो मैं होया, दूजी बारी जो मेरा एक्सीडेंट होया, जो मैं होस्पिटल पहुँचा बिल्कुल डैथ थी। मैनू चीज़ा का नहीं पता, पता नहीं अंकल ने मैं किमें बचाया किमें नहीं बचाया। तो उस तो बाद जी मेरी मम्मा ने फिर मैनू 1 साल मैं बैठते रहा उ बाथरूम पोटी शूशू करवाना, उस टाइम बच्चा वांगू रखना, चौके कभी कितने रखना कितने रखना, जो लैग्स लगियां फिर चलाना स्टार्ट किया। उस तो बाद मैं डॉक्टर अवतार मिले, अब सीगा कि एक होस्पिटल आप चैकअप करवा जा रहे हैं, नॉर्मल एक डॉक्टर मिलन जा रहे हैं। जो मैं होस्पिटल पहुँचा तो अंकल नूं दिखाया तो उन्होंने कहा कि तेरी लैग्स नूं जख्म किवें हो जाता। मैं कहा अंकल जी मैं डांस करदा, तो उन्हें कहा तू डांस करदा? हाँ, पहले मैं बढ़िया हैवी लत्तां लगवाइया सी, पर आज तो उदो 7 साल बाद पहले की गल है। उदो फिर मैं अंकल को गया, जो तो अंकल ने मेरी लैग देखी कि जख्म हो गया है, तो अंकल ने कहा तू डांस कर, जिन्ना तू डांस करना कर, तेरे पिछे मैं आवा। वो दिन तो आज का दिन मैनू ऐ मेरी 3rd जोड़ा है लैग का। इस तो पहला अंकल मैनू 2.5-2.5 लाख दियाँ लुधियाने लगवा दीतियाँ, हूँ मैंने 6 लाख दियाँ फिर लगियाँ। तो मैं लैग से कोई टेंशन नहीं होंगी, खराब हो जन कुछ टुट जे भज जे मैं कुछ भी हूँ, मैं सीधा अंकल को चला जाता कि मेरा प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं पता होता मैं इतने गया मेरी प्रॉब्लम सोल्व होनी है। बाकी लाइफ से मैं कोई भी प्रॉब्लम आती है, अज तुम मैं देख रहे हो, तरोताज़ा देख रहे हो, लाइक मेरी कोई भी छोटी छोटी जरूरत है कि डॉक्टर अवतार पूरी करते हैं। जो कि मैं इन्हों भी अपने मम्मी पापा ही कहना वा, एक तो मैं जिन्होंने जन्म दिता, तो दूसरे जो मैं पाल पोस के व्डा कर रहे हैं।
जी मैं डांस स्टार्ट किया ही सारे ने मना किया ही, सारे ने कहा ही कि डांस नहीं होना देखो। तो जो मैनू लाइक होंगे ही कि मैं विसाखियाँ फड़ के चढ़ना चलना, तो डांस स्टार्ट किया, मेरा जनून सी करना तो किया। जो साइकिल चुनिया सारे कहते हैं कि साइड पर व्हील लगवा लै दो कि तू डिग जाएगा एकदम, रुकना पै जाएगा कितने, तो पैर थले किवें लगाएगा, तो मैं करके विखाया। तो जे मैं वो चीज़ा कर सकता तो यह भी करके विखावगा, तो मैं करनी ही करनी है। दोस्तों ये राजेश जड़ा है बहुत प्यारा बच्चा है, ये 8 साल पहला मेरे कॉन्टैक्ट आया सी, इहदा कितें ट्रेन एक्सीडेंट हो के तो उहदे च लत्तां बिल्कुल दो इन्हां दी कुचलियां गईयां सी, ते फिर साढ़े ICU च सीगे, ते मैं जदों इहनूं विजिट कीता ते ही बस क्राइंग थोड़ा दिल इहने छड्डिया होया सी भी हुण मेरियां लैग्स है नहीं गईयां, ते फिर मैं बचना नहीं चाहुंदा। सो मैं इहनूं थोड़ा जिहा मोटीवेट कीता भी बेटा जिहड़ी लाइफ है ना वो तुहाडियां लत्तां बाहवां च नहीं हुंदी, लाइफ जिहड़ी आ वो तुहाडे दिमाग च हुंदी है, तुहाडी विल पावर ते हुंदी है। तो 5 मिनट मैं ये ब्रेन वॉशिंग की, बच्चों वांगू समझाया और इस बच्चे के दिमाग चो जी गल सी ना वो घर कर गई भी लाइफ इज़ हेयर नॉट इन द लैग्स। सो उस तो बाद ये जख्म जुखम जो ठीक हो गए फिर ये चलन फिरन का सिलसिला जोड़ा सी शुरू हो गया, फिर लैग्स की जी प्रॉब्लम सी हैवी लैग्स के नाल इनू औखा हो जाता सी, ये जख्म हो जाते। फिर सडनली एक दिन मेरे OPD के मैं अपनी लैग्स दिखाता भी मेरे जख्म बड़े हो गए ठीक नहीं हो रहे, तो मैं डांस करने तो आई वॉज शॉकड भी ये बंदा यार बिना लत्तां दे डांस की गल्लां करी जांदा है, चंगे भले नहीं डांस कर सकते। सो दैन आई ऑलसो गॉट मोटीवेटड, कला मैं इन्हें मोटीवेट नहीं किया, इन्हें मैंने किया। तो फिर मैं कहा भी बेटा कोई गल नहीं, वो परमात्मा नाल है, मैं तेरी सपोर्ट ते हाँ, तू जिन्ना डांस करना कर। फिर मैं ऑर्गेनाइज करके जिहड़ियां इंपोर्टेड लैग्स हैगियां वो पहला एक लुधियाने लवाइया, फिर 2-3 बारी हूँ लास्ट जड़िया लैग्स है वो लगवाइया हूँ। सो ही हैज़ डन वैल, ही हैज़ डन वंडरस। ये कला अपनी देख रेख नहीं करता, अपने महल के सारे गरीब बच्चों यह डांस सिखाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सिखाता है। अपनी रोजी रोटी लिए एक छोटी जी आर्टी जोड़े आ रेडीमेड कपड़े होंगे वो दुकान वे करके तो गुजारा करता। सो थोड़े महीने पहला ही सैड के मैं साइकिलिंग करनी, मैं कहा कोई नहीं यार तू कर ले साइकिलिंग। फिर एक साइकिल जड़ा सी इन्हें दिता, तो टुडे आई एम सरप्राइज के इन्हें बच्चे ने राजेश ने इन्नी मेहनत की थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करता। सो बंदे दे दिमाग च जे विल पावर है ना वो कुछ भी कर सकता, किसी भी औखी घड़ी तो बाहर निकल सकता। मैं भी अपने औखे दिनों च मैं यदि मिसाल अपने आप अगे रखता सी भी इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट, औखी घड़ी डिस्कस नहीं करनी बाद करेंगे। सो हूँ यदि अगली जी ये मन च मोटिवेशन आ रही है भी मैं एवरेस्ट पर चढ़ना, अगेन मैं हैरानी तो हो रही है पर मैं ये नहीं मान सकता कि ये नहीं कर सकता, ये जरूर करके दिखाऊगा। मेरा भी अंदरों मन करता कि मैं भी एवरेस्ट पर चढ़ा बट आई कॉन्ट डू इट। सो जे तू चढ़ेगा मैं घोड़े घोड़े से चढ़ के तर ना चलूँगा। सो ये जड़ी स्टोरी है ना ये एक बंदे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, तुहानू ये रिक्वेस्ट है ये मैसेज दो जड़े बंदे खास करके डिप्रेशन च ने सोचते हैं कि असी जिंदगी साड़ी खत्म हो गई ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं इदा का हुंदा। उन्हां सारयां नू मैसेज ये दो अपनी विल पावर स्ट्रोंग करो, दुनिया की कोई ताकत तुहानू तुहाडे सपने जड़े आ उन्हां नू अचीव करन तो रोक नहीं सकती। समाज लिए एक आदर्श है, एक व्यक्ति कठिन स्थिति चो निकलना चाहता है, दूसरा उन्हें निकालने लिए वो बाजू पकड़ के चल रहा है। तो आज समाज लोड़ ही है कि गिरान वाले तो बहुत मिलते हैं, कोई उठान वाला चाहिए है। और राजेश का जो उदाहरण है ये है कि जिथे आदमी की कर्म शक्ति मन की शक्ति जग जाती है, क्योंकि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। डॉक्टर अवतार जी ने प्रेरणा दे के अंदर छिपी हुई शक्तियाँ जड़ी हैं वो जगाई हैं और वो अगे जगे बढ़ती जा रही है। राजेश लई बहुत सारिया शुभकामनावां आशीर्वाद, डॉक्टर अवतार इसे तरह सेवा करते रहन और बाकी भी समाज के विच जिहड़े लोग निराश होकर बैठे है। आए दिन नौजवानों के आत्महत्या करन दी खबर मिलदी उन्होंने वास्ते ये प्रेरणा की चीज़ है। और तुहानू सारयां नू जो डॉक्टर अवतार जी ने कहा मैं भी उही प्रार्थना कर रही हाँ
कि ये उदाहरण जेड़ा है एक घर घर तक गांव गांव तक पहुंचा दियो।